हेलो एवरीवन, दिस इज शेफ अजय चोपड़ा और ये है मेरी वाइफ अमृता चोपड़ा। और हम दोनों आपके लिए बहुत बढ़िया सी एक डिश लेके आए हैं, लेकिन उस डिश में एक खास बात है। जानते हैं क्या? क्योंकि इस लॉकडाउन में हम लोग रियलाइज कर रहे हैं कि सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ भी फेंकना नहीं। इसीलिए हमारी गुजारिश आपसे ये कि आप इस लॉकडाउन में रुकिए मत और फेंकिए मत। वेल, ये संतरे के छिलके आप हमेशा फेंक देते हैं, क्योंकि संतरे के छिलकों का क्या होगा? वेल, संतरों के छिलकों का केक बनेगा। हाउ अबाउट दैट? या, इट इज इंटरेस्टिंग। वेल, कैसे बनेगा वो हम दोनों आपको बताएंगे, क्योंकि मैडम जो है वो चीजें विस्क करेंगी और मैं संतरों के छिलकों को पकाऊंगा। अब इन संतरों के छिलकों में सिर्फ एक चीज फेंकी जाएगी, वो है ये इसका सफेद पार्ट। इसे नाइफ से निकाल लूंगा मैं। पतली सी एक लेयर होती है, ये कड़वी होती है, और अगर इसे निकाल लेंगे ना तो संतरे की जो पूरी खुशबूदार जो पील है वो आप बना सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब एक शार्प नाइफ लेके ऑरेंज का ये जो सफेद पार्ट है इसे आराम से निकाल लिया जाएगा, क्योंकि ये कड़वा होता है। और इसे निकालने के बाद ये छिलका यूजेबल हो जाएगा। अब इसे हम पतला पतला काट लेंगे। इस पील को पकाएंगे हम, पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे, जो पील चॉप करी है उसको डाल देंगे, और थोड़ी सी चीनी डालेंगे। ये चीनी के साथ पानी जो है वो अच्छी सी चाशनी बन जाएगा, चाशनी गाढ़ी होगी, और ऑरेंज पील जो है ये अच्छे से बिल्कुल बढ़िया से पक जाएगी और वो डलेगी केक के अंदर। चलिए अब इसे अच्छे से उबलने देते हैं और पकने देते हैं। हल्की आंच में इसे पकाते रहेंगे जब तक ये ऑरेंज की पील अच्छी तरह से नहीं पक जाती। अब जब ये पक जाएगी तो एकदम मीठी हो जाएगी, बढ़िया कैंडिड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लेंगे कर्ड 80 ग्राम्स, थोड़ा सा व्हिस्क कर लेते हैं। सारे वेट इंग्रेडिएंट्स हम पहले डाल देंगे। सो एगलेस केक की रेसिपी बन रही है, इसलिए दही जा रहा है। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप दही जमा लीजिए, क्योंकि बहुत बढ़िया बनेगा ये केक। और अगर दही नहीं है, मिल्क मेड है, तो मिल्क मेड से भी बहुत अच्छा बनता है। इसमें थोड़ा हम मिल्क डालेंगे। आप मिल्क 60 ml डाल सकते हैं और ऑरेंज जूस भी डाल सकते हैं। मेरे पास ऑरेंज जूस नहीं है तो मैंने मिल्क डाल दिया है। वैसे अगर दूध की जगह ऑरेंज जूस डाला जाएगा तो ज्यादा खट्टा तो नहीं हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें शुगर भी डाल रहे हैं। राइट। इसमें ऑयल डालेंगे, फॉर्च्यून का सनलाइट ऑयल, विच इज रियली लाइट, और इससे केक्स भी बनाए जा सकते हैं। और ये 60 ml ऑयल इसके अंदर गया। और चीनी हमने ली है 65 ग्राम्स, उसको मैंने पीस लिया है। अब ऑब्वियसली घर में हमारे पास बेकरी वाली कैस्टर शुगर तो होगी नहीं, नॉर्मल शुगर को आप मिक्सी में पीस लें और उसे डाल लें। क्योंकि भैया देखो, आइडिया ये है कि लॉकडाउन में लोगों को बाहर नहीं जाना है, घर के बाहर नहीं निकलना है, इसलिए जो घर में है उसी से बनाना है। और घर बैठे अगर एक बढ़िया सा केक मिल जाए तो क्या बात हो जाएगी ना। अभी इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे, ये 1 teaspoon रहेगा। तो ये मैदे में ही मिला लेता हूँ मैं, ताकि सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक साथ हो जाएं। बिल्कुल। और बेकिंग सोडा 1/2 teaspoon। धीरे धीरे करके मैं व्हिस्क कर रही हूँ, आप इसको धीरे धीरे करके डालिए। इलेक्ट्रिक बीटर है तो हमारा काम जल्दी हो सकता है, बट एनीवेज। नहीं तो मैं हूँ ना मैकेनिकल बीटर। तो बैटर को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। लीजिए मैडम, ये बैटर बन गया है। वेल, बैटर थोड़ा सा थिक है अभी। ऑरेंज पील्स in the cake and now we'll grease the pan as well.
ऑप्शनल है, अगर आपके पास ऑरेंज जैम या मार्मलेड है आप वो भी डाल सकते हैं, दैट विल आल्सो गिव अ ब्यूटीफुल फ्लेवर। जैम इज रेडी। ऑरेंज बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग स्मेल होती है ऑरेंज की, और स्पेशली इस समय में भी आपको ऑरेंज जरूर खाना चाहिए क्योंकि वो विटामिन सी से भरा होता है और इम्यून सिस्टम आपका बूस्ट करता है। देखा, वंडर वुमन अमृता जो है आपको ये सारी टिप्स देती रहेंगी, आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आ रही है ये। अब इसमें डाल दें मैडम? हाँ जी, इसमें डाल दीजिए। ओवन को प्री हीट आप जरूर करिए 180 डिग्री पे, और एक बार वो प्री हीट 5-10 मिनट्स प्री हीट हो जाए उसके बाद आप इस केक को 40 मिनट्स आपको पकाना है 160-170 डिग्री पे। टाइम टू गो इन, पकेगा 35 से 40 मिनट तक, बढ़िया ऑरेंज केक निकल के आएगा और फिर इसे सजाएंगे और आपको खिलाएंगे। वेल, 40 मिनट हो चुके हैं और देखा जाए तो केक हुआ कि नहीं, बिल्कुल बढ़िया से हो गया। So the cake is ready now. Now we'll demold it. 35-40 minutes at 170 degrees. और अच्छा बना है। And how you can actually garnish a simple cake? मतलब घर बैठे garnishing कैसे हो सकती है? कि आप इसे अगली मत समझे। This is actually a beautiful crust and I love this crust. तो ये जो marmalade था ना, इसे melt कर लिया। Okay. So what you can do is just pour this on top. And I'll give you another beautiful garnish. तो भैया थोड़ी बहुत tricks and tips तो आपको मिलती रहनी चाहिए ना, मतलब अब पीसी हुई चीनी जो थी इसका एक और अच्छा यूज हो सकता है गार्निश के। Smell is amazing. And finally, some icing sugar. देखो भैया हमारी एनिवर्सरी आ रही है, अब लॉकडाउन में अगर बर्थडे है एनिवर्सरी है तो केक बनाना पड़ेगा ना, लेकिन थैंकिंग कुछ नहीं, ऐसे ही बनाएं और अपने प्यारे जनों को खिलाएं। तो ऐसे आप मीठी मीठी रेसिपीज बनाते रहिए, रुकिए मत, फेंकिए मत और एंजॉय करिए।